अब इस कावासाकी में एक चीज और इसमें हमें सेम दिखी, और जैसे ही हमें एक चीज सेम दिखी तुरंत हमने कहा इसका कंपैरिजन हो सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे पास आज थी एप्रिलिया 457 आरएस भाई साहब, और इस बाइक का रियली बता रहा हूँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस कैटेगरी की ये किलर होने वाली है, सेगमेंट की ये किलर होने वाली है। तो बड़ा कंफ्यूज थे कि आखिर इस बाइक को किस बाइक से हम लोग कंपेयर करें जिसमें मज़ा आया थोड़ा, क्योंकि किसी भी बाइक से कंपेयर करने में मज़ा ही नहीं आ रहा था भाई। और जब तक किसी बाइक से कंपेयर करने में मज़ा ना आए तब तक फिर मज़ा आता ही नहीं रियल में। तो हमने ज़्यादा पावरफुल बाइक इसके बगल में लगाई है, निंजा 636 सीसी की चार सिलेंडर की बाइक, मतलब दो सिलेंडर का सीधे सीधे चार सिलेंडर हमने लगा दिए। डुअल सिलेंडर में कोई है ही नहीं इसके बगल में, तो हमने कहा चलो ज़्यादा पावर लगा दी जाए। अब इस कावासाकी में एक चीज़ और इसमें हमें सेम दिखी, और जैसे ही हमें एक चीज़ सेम दिखी तुरंत हमने कहा इसका कंपैरिजन हो सकता है। तो आप गेस भी नहीं कर सकते, हम जो बताएंगे दो गाली लिख के जाओगे वैसे आप। लेकिन यहाँ पे मिरर देख सकते हो गाइस, और ये देखो, तो ये इतने सेम थे कि हमें इस मिरर की वजह से इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करना पड़ रहा है। क्या बात है, क्या लॉजिक दिया है, लेकिन ठीक है। इसका जो वो है वो हवा भरने वाला है, वो टेनार वाला, उससे भी कंपैरिजन कर सकते हो। ये अच्छा नहीं है इसका बीच वाला, उसका टेनार वाला लगा है। अरे वाह, क्या बात है गाइस, काफी कुछ है हमें लग रहा है इसमें कंपैरिजन करने के लिए। अरे हाँ, ये तो ज्यादा प्रीमियम है, तो इसका भी कंपैरिजन बन सकता है। लेकिन फिलहाल इसमें एक चीज़ ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, हालांकि ये ज़्यादा महंगी है 13 लाख की, लेकिन 5 लाख में ही आपको ज़्यादा प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और क्या यार, देखते हैं कि मोड भी चेंज होता है सिंगल टच में। यहाँ मोड चेंज कर सकते हो, कोई लोचा ही नहीं है कि बस बटन दिया ये दबाने का और धक्का धक एकदम ऑन द गो मोड चेंज करने का। तो चलो भैया इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं फिलहाल। वैसे तो बहुत कुछ बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज ये प्रोड्यूस करती है सिर्फ और सिर्फ 47 पीएस की पार, बीएचपी की पार, और ये प्रोड्यूस करती है 124 बीएचपी की पार। ठीक है, मतलब क्या ही बताएं, लेकिन ठीक है। चलो देखते हैं कि कितने गियर लगाने पड़ेंगे इसको हराने के लिए, बस हम यही चेक करने वाले हैं। 4.5 गियर लगाऊंगा आज, मैं तो 3.5 में ट्राई करूंगा पहले। ऐसा साउंड है,
इसको स्लिप स्विमिंग का मौका बहुत दिया है लेकिन ये आगे निकल नहीं पाया। पूछते हैं कितना भगा इस, कितना गई? 200 बस। अबे चार गियर में नहीं है, चार गियर लगाना 200 जाएगी। ये 200 जा रही है और क्या भाई, सड़ाक निकल रही है। 13 लाख रुपए दिए भाई। चलो गाइस, गोप्रो ने थोड़ा सा धोखा दे दिया। भगाते भगाते अप्रिलिया थोड़ा सा मतलब 198 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड मैंने अचीव करी लेकिन चार गियर में भी ये इसको आगे नहीं मतलब पीछे नहीं कर पा रही थी और 200 भी पहुंच सकती थी अप्रिलिया, बट चार गियर सफिशिएंट है सिक्सार के लिए, इसको हराने के लिए। बट इस सेगमेंट की ये डेफिनेटली किलर होने वाली है, मुझे नहीं लगता इस सेगमेंट में कोई और बाइक इसको हरा पाएगी। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।